आज भारत देश का आम बजट केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इस बजट पर CAIT के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट चुनाव को देखते हुए नहीं किया गया, यह बजट दूरगामी बजट है, देश के युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रखकर किया है। बजट में 50 पर्यटन स्थलों को अंकित किया गया है, जिसके चलते वहां रोजगार बढ़ेगा। साथ ही इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास को प्राधान्य दिया गया, क्योंकि भारत देश युवा देश की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मोदी जी का दूसरे काल का बजट, आम इलेक्शन के पहले का समझो पूरे साल का आखिरी बजट पेश किया है। बजट दूरगामी है, एक देश को आगे ले जाने का लक्ष्य रखते हुए युवाओं को रोजगार मिले, ग्रामीण इलाके में, आदिवासी इलाके में पैसे पहुँचे और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश आगे बढ़े, इसको ध्यान में रखते हुए ये बजट बना है। अपने लक्ष्य के को ध्यान में रखते हुए ही इस बजट ने बीज बोए हैं। एक साल का बजट नहीं, कोई ऐसा नहीं कि खूब रेवड़ियां बांटने वाला बजट हो, बिल्कुल नहीं। अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए और देश को आगे ले जाने के लिए ये बजट बना है। बजट के अंदर जो इन्होंने टूरिज्म के ऊपर ध्यान दिया है, इससे दूर दराज के इलाकों में जो हमारे टूरिस्ट प्लेस हैं 50 जगह अंकित की है, तो वहाँ पर अपने आप रोजगार बढ़ेगा। इन्होंने हमारी कोस्टल लाइन, आप देखेंगे तो कोस्टल लाइन भारत का तीन तरफ से पानी है, वो कोस्टल लाइन को विकसित करने के लिए उन्होंने बात को सामने रखी है। रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ शिक्षा और चिकित्सा दोनों पे ध्यान दिया है। ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी है। महंगाई को कंट्रोल करते हुए रोजगार और कौशल विकास, आप देखिए कौशल विकास के लिए भी फोकस किया है, क्योंकि भारत देश विश्व का युवा देश बनने जा रहा है, तो युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल लाइब्रेरी, ये जो चीज़ें सामने लाई है, सस्टेनेबल सिटीज़, टियर 2 टियर 3, सब लोग मेट्रो में भागने का प्रयास कर रहे हैं, हमको लोगों को रोक के रखना है। तो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के लिए जो एलोकेशन किया है, लोकल गवर्नमेंट को ध्यान में रखा है, इनके पास पैसा नहीं है तो लोकल कॉरपोरेशन को पैसा मिले, राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है, 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन उन्होंने आगे बढ़ा दिया। ये चीज़ें जो मूलभूत है, ये महत्व की है। हालांकि हमें ऐसा लगा कि GST में कुछ ना कुछ प्रकार की घोषणा होना था, एमनेस्टी स्कीम होना था, या जो दरें हैं वो कुछ कम होना था, तो GST में वो दरें कम नहीं हुई। इनकम टैक्स में जो अपेक्षाएं थी, तो इनकम टैक्स में भी अपेक्षाएं जो हमारी है वो पूरी नहीं हुई। हाँ, उन्होंने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छे अच्छे प्रावधान किए, इसमें कोई शक नहीं है। डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ लॉ, 4,900 कानूनों को उन्होंने बिल्कुल पुलिस मुक्त कर दिया, 39,000 प्रावधान अलग अलग कानून के उन्होंने हटा दिए, ये अच्छा है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो विद फाइनेंस बैंकों के लिए आज क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत उन्होंने 3 करोड़ तक के लिए केंद्र सरकार अपने ऊपर जवाबदारी ले रही है, कोलेट्रल फ्री। आज व्यापारियों के पास कोलेट्रल देने के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनको लोन नहीं मिल सकता, 3 करोड़ के लोन तक सरकार ने अपनी जवाबदारी पे आप लोन दीजिए ऐसा बैंकों को बोला है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये बहुत स्पष्ट है कि इलेक्शन को ध्यान में रखते कोई बजट नहीं है। ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, किसानों को ध्यान में रख के, महिलाओं को ध्यान में रख के, युवाओं को ध्यान में रख के ये बजट बनाया गया है, ऐसा मुझे लगता है। इस बजट से सभी व्यापारियों को आशा थी कि GST में कुछ राहत मिलेगी, पर GST से संबंधित कोई बात नहीं रखी गई। 39,000 पुलिस के जो प्रावधान थे वो इस बजट में हटाए गए, जो स्वागत आ रहे है। कॉम्पिटिशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की महिला अध्यक्ष, शॉर्ट फॉर्म कैट, उसकी महिला अध्यक्ष जो सीताराम जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें जो बजट दिया है वो मिला जुला है, पिछले साल जैसा था वैसे ही है, कोई महिलाओं के लिए खास नहीं दिया। मानते हैं हम लोग शिक्षा प्रणाली, युवाओं के लिए और अपने बैंकों के लिए सब अच्छा किया, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। आंगनवाड़ी का थोड़ा बहुत किया उनने, लेकिन मैं चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए क्या किया, सीनियर सिटीजन के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया उन्होंने।
महिलाओं का तो नाम ही नहीं कहीं आया है, तो हम महिलाएं क्या क्या कर सकते हैं, क्या खुश रह सकते हैं। गैस के बारे में नहीं बताया, दिन ब दिन गैस की बढ़ रही है, तो उसके लिए उससे पूरी अर्थव्यवस्था हमारी ख़राब हो रही है। महिलाओं के लिए जो महंगाई है, पेट्रोल के दाम है, तो उससे क्या हो रहा है कि सारी महंगाई, मतलब सारे सब्जियों के भाव है, अनाज के भाव है, सब बढ़ रहे हैं। तो हम महिलाओं के लिए क्या है, बच्चों को हम शिक्षा कैसे दें? कॉर्पोरेशन लेवल की स्कूलें हैं, सब स्कूलों पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, पढ़ाई दिन पर महंगी हो रही है। तो ये सब चीज़ों पे थोड़ा हमारी सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर ध्यान देना चाहिए। युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा है ये बजट, बिकॉज हर साल की तरह जब से मोदी जी आए हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर विशेष आकर्षण दिया है उन लोगों ने, और टेक्नोलॉजी से ही देश बढ़ सकता है ये उन्होंने आज साबित ही कर दिया है। बाकी उन्होंने निचले स्तर पे उन्होंने सोचा ही नहीं है कि बेसिक नीड्स और बेसिक प्रॉब्लम क्या है। जैसे हमारी अध्यक्षा साहिबा ने बताया कि पेट्रोल की दरें, एलपीजी की दरें, जो छोटी छोटी वस्तुओं के लिए आज छोटे लोग, जैसे छोटा ऑटो रिक्शे वाला है उसके लिए कौन सोचता है, आज बड़े इंडस्ट्रीज़ वालों के लिए सोचा जा रहा है, बड़े टेक्नोलॉजीज़ के लिए। अब किसान को भी लेके उन्होंने बहुत सारी यहाँ पे सुविधाएँ दी है, बट किसान कितना एजुकेटेड है, क्या वो ये टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करेगा? उसको पहले क्लासेस लगानी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी, अवेयर हो सकता है वो, तो ये शिक्षा प्रणाली के लिए ठीक है कि कोई टीचर जाके वहाँ एजुकेट करता है, नई टेक्नोलॉजीज़ लाता है, बट अपना यहाँ का किसान तो उतना एजुकेटेड नहीं है, और उनके बच्चे भी आजकल इकोनॉमी की तरफ, एम्प्लॉयमेंट की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। आईटी सेक्टर के लिए, इंजीनियर्स के लिए गुड न्यूज़ है, 5G टेक्नोलॉजीज आई है, उनके लिए कुछ भविष्य उज्जवल हो सकता है, जो कि हमेशा से होते आ रहा है। बट व्हाट अबाउट द जॉब प्लेसमेंट्स, जॉब लग के भी उनको कितना फ़ायदा होता है, कितनी सैलरीज मिलती है, और कितना वो एस्टिमेट निकालते हैं अपने फैमिली बजट के लिए? तो ओवरऑल ये मिला जुला ही बजट है पिछले साल के जैसा, एडवांसमेंट कुछ नहीं है, खाली वही बातें हैं जो पिछली बार हो रही थी, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर का यूज़ किया गया है इसमें। यूथ के लिए कुछ फ़ायदा है, बच्चों के लिए, व्यापारियों के लिए फ़ायदा है, हमेशा से होते हैं, क्योंकि व्यापारी तो टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर लेता है, और पहले से बही खाते का भी व्यापारी यूज़ करता आ रहा है, तो व्यापारियों के लिए तो हमेशा फ़ायदा रहेगा ही रहेगा, वो तो अपना एक पूरा रिस्पांस लेके चलता ही है समाज के प्रति। महिला के नाते मैं सेटिस्फाइड हूँ या नहीं हूँ, बिकॉज एक इंसान तो अपनी आर्थिक स्थिति बदल नहीं सकता है, एक मैं महिला हूँ, मैं घर चलाती हूँ, और मेरे जैसी कई महिलाएँ हैं, तो ये हमको अगर सर्वे करो तो कितनी महिला हैं जो अपनी घर की सैलरीज से और खर्चों से खुश है? बच्चों की एजुकेशन है, सास ससुर का मेडिकेशन है, कुछ लोन्स है, LICs है, ये है वो है, क्या इस पे ध्यान दिया जाता है कि सैलरी कितनी आती है और कितना डिस्ट्रीब्यूशन होता है? इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं देता है, ओनली ग्रोथ के ऊपर ध्यान देते हैं, इंडिया का ग्रोथ होता है, बट निचला टप्पा हमेशा दबते ही जा रहे हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। बजट में खास, इस बजट में खास तो कुछ नहीं रहा है, एक ट्रैवल एंड टूरिज़्म का उन्होंने बताया है, इसमें भी अभी वही सेम चीज़ आती है, मिडिल क्लास कितनी छुट्टियां मिलती है उसको, और वो कितना ट्रैवलिंग कर पाएगा बाहर, और सही में कोई पैकेज लेके, मेक माई ट्रिप का भी पैकेज लेके जाता है वो 60-70 हज़ार का, एक सैलरी खर्च करने की उसकी कैपेसिटी रहती है? तो आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ बजट, बट इट इज़ ओके, जिनके लिए फ़ायदा है, बाकी तो सब पिस रहे हैं हमेशा की तरह। मोदी सरकार के 5वें साल का अंतिम और 2023-24 का बजट अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया। इस बजट में क्या विशेष होगा, इस पर पूरे देश का ध्यान था। बजट पेश होने के बाद देश के हर जगह से बजट पर बात हो रही है। ऐसे में कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC ने कहा कि ये बजट देश के उत्कर्ष के लिए बनाया गया है, ना ही आने वाले 5 राज्य और लोकसभा के इलेक्शन के मद्देनजर रेवड़ी या बांटने वाला बजट नहीं है। तो वहीं कैट के कुछ सदस्यों द्वारा इस बजट को मिला जुला बजट बताया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।